चलिए जी, आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले के टॉपिक्स हम पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं, तो आज शुरू करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंपनी में जितना पैसा लगाया जाता है उसमें से कितना पैसा डेट से आएगा और कितना पैसा इक्विटी से आएगा। डेट का मतलब है डिबेंचर, लोन वगैरह। इक्विटी का मतलब है शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स या खुद का अपना पैसा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू होता है डेट अपॉन इक्विटी। सो इससे क्या पता लग रहा है मुझे, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इन द कंपनी। तो एक कंपनी में सपोज अगर 10 लाख रुपए हैं और 4 लाख रुपए डिबेंचर से आए हैं और 6 लाख रुपए शेयर्स के हैं, तो 60-40 की रेशो हो गई। इसको बोलेंगे कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 60% शेयर्स है और 40% पैसा उसने डिबेंचर से लिया है। ठीक है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में हमेशा इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, यानी कि कंपनी के अंदर जो पैसा हो वो इस तरीके से लगाया जाना चाहिए ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, उनका जो पैसा है वो बढ़े। अब शेयर्स और इक्विटी, शेयर्स और डिबेंचर दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें डेट के अंदर कॉस्टिंग तो कम आती है बट रिस्की बहुत होता है, जबकि इक्विटी खर्चीली होती है, एक्सपेंसिव होती है बट वो सेफ होती है। आप समझते हैं डेट रिस्की क्यों होता है? आपने किसी से लोन लिया, अब आपको वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको उसकी किस्तें भरनी पड़ेगी, तो डेट रिस्की है बिकॉज इंटरेस्ट की पेमेंट करना एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है। आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ये डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी ही पड़ती है, उसके पास आपका कोई इलाज नहीं है। और अगर आप नहीं पे कर पाते टाइम पर तो आपको आपके एसेट्स बेचकर भी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि इक्विटी के केस में, शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सिर्फ तभी दिया जाता है जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं, अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो उनको हम डिविडेंड भी नहीं देते हैं। बट हाँ, जो भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो उसमें कितने भी शेयर्स हो, कितने भी डिबेंचर्स वगैरह हो, लोन हो, उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर आता जरूर है। और एक बात और बता देता हूँ, कोई भी कंपनी इतनी नहीं होती है कि उसके अंदर सारा ही डेट होगा या सारी इक्विटी होगी। हमेशा हर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का एक मिक्सचर रहता है, थोड़ा सा डेट होगा, थोड़ा सा इक्विटी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज, या जिसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है? कंपनी की टोटल कैपिटल में से डेट का पोर्शन कितना है, कंपनी की टोटल कैपिटल में डेट कितना है, उधार का पैसा कितना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है डी अपॉन ई, मतलब डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेट विद डेट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि जिस कंपनी में डेट से पैसा लगा होता है ना, उधार का पैसा होता है डिबेंचर का या लोन का, उस कंपनीज में अर्निंग्स तो बढ़ जाती है क्योंकि डेट के ऊपर कॉस्टिंग कम आती है, डेट सस्ता पड़ता है, मगर दूसरी तरफ डेट रिस्की भी बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डेट रिस्की क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है टाइमली, उसके ऊपर आपको वो जो ईएमआई है, वो जो किस्त बनती है वो भरनी पड़ती है। बट ध्यान रखने वाली क्या चीज है, डेट रेज करने से फायदा सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से। आपने जिस रेट पर पैसा उधार लिया, सपोज वो है 12%, आपने उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मिलते हैं आपको 15%, तो इस केस में तो फायदा है, 3% का आपको नेट फायदा हो रहा है। बट अगर इसका उल्टा कर दे, डेट आप उठाओ मार्केट से 15% पे और आपको जो रिटर्न मिल रहा हो उस पैसे को यूज करके वो आ रहा हो सिर्फ 12%, इस केस में आपको डेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस केस में आपको नुकसान हो रहा है। अब इस चीज को समझते हैं कि कब फायदा होता है कब नुकसान होता है, इसके लिए टेबल आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, ये टेबल की प्रैक्टिस बहुत जरूर जरूर करिएगा बिकॉज पेपर में आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये है सिचुएशन वन, यहां पर टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपए की, टोटल कैपिटल, उसमें इक्विटी कैपिटल 50 लाख रुपए की, यानी कि ये हमने माना इस कंपनी के अंदर सारा की सारा पैसा शेयर से ही लगा हुआ है, 5 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, 50 लाख रुपए की कैपिटल। डेट निल, टैक्स 30%,
ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपए। अब आगे चलते हैं, सिचुएशन नंबर टू क्या कहती है हमारी। सिचुएशन नंबर टू के अंदर फिगर्स चेंज होंगी। ये है आपकी सिचुएशन नंबर टू। ये क्या कहती है, टोटल कैपिटल तो अभी भी 50 लाख है, आप इक्विटी के 40 लाख है और डेट के हैं आपके 10 लाख, टैक्स वगैरह और डेट पे जो इंटरेस्ट है वो है 10%, ईबीआईटी अगेन 7 लाख रुपीज। थर्ड एक और सिचुएशन ली, टोटल कैपिटल वही 50 लाख रुपए, अब इक्विटी 30 रह गई और डेट बढ़ के हो गया 20 लाख रुपए, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब ये तीन सिचुएशंस ली है बेसिकली, एक में सारा की सारा पैसा इक्विटी से लगाया, दूसरे में 10 लाख का डेट, तीसरे में क्या करा, डेट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। ध्यान रखिएगा तीनों सिचुएशन में दो बातें कॉमन है, एक टोटल कैपिटल तीनों में 50 लाख रुपए ही है, दूसरी तीनों में ईबीआईटी जो है वो 7 लाख रुपए ही लेनी है। ये एग्जांपल है सिर्फ, यानी कि तीनों में ईबीआईटी आपकी सेम होनी चाहिए और टैक्स रेट वगैरह तो कॉमन ऑफकोर्स रहेगा ही रहेगा। अब इन तीनों में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करके आपने पेपर में भी टेबल बनानी है। ईबीआईटी 7 लाख तीनों में लिख दी मैंने, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। जहां जहां पर डेट है, डेट कहां पर है, सेकंड सिचुएशन में डेट है और थर्ड वाली में डेट है। सेकंड में डेट कितना है, 10 लाख रुपए का डेट है और इंटरेस्ट है 10%, तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख रुपए। यहां पर मैंने नीचे इंटरेस्ट माइनस कर दिया 1 लाख रुपए 7 लाख में से सेकंड वाली सिचुएशन के अंदर। थर्ड में चलते हैं, वहां डेट कितना है 20 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 2 लाख रुपए हो गया इंटरेस्ट। थर्ड वाली सिचुएशन में मैंने इंटरेस्ट माइनस करा 2 लाख रुपए का, माइनस करके वैल्यू निकाली, यहाँ 7 लाख, यहाँ 6 लाख, यहाँ 5 लाख। इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट तो फिक्स था तीनों में 30%, यहाँ पर 7 लाख का 30%, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 5 का, माइनस कर दिया, वैल्यू बची 4.90, 4.20 और 3.5 लाख रुपए। इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। अब निकालना है अर्निंग पर शेयर, कैसे निकलेगा ये समझिए ध्यान से। तीनों सिचुएशन में देखेंगे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। वापस ले चलता हूं क्वेश्चन पे, पहली सिचुएशन में क्या था, 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर एक है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 5 लाख। तो पहली जो सिचुएशन है ये वाली, यहां पर जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था ईएटी था 4.90, 4.90 को डिवाइड करूंगा 5 लाख से, तो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ये आएगा मेरा 0.98। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन में, यहां पर वो क्या कहता है, 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, ये 4 है, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली, ये 4 लाख शेयर है 10 रुपए का एक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख, 1.05। ऐसे ही तीसरे में 3 लाख शेयर है, तो 3.5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख आया 1.16। अब देखो सीखने वाली क्या चीज है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग आ रही है सेकंड में पहले वाले से ज्यादा है और थर्ड में दूसरे वाले से भी ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले में तो डेट था ही नहीं, दूसरे वाले में डेट को बढ़ाकर करा 10 लाख और तीसरे वाले में और डेट बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा है इन सिचुएशंस के अंदर, वैसे वैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, यहां पर आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ अर्निंग कितनी है आपकी कैपिटल पे। देखिए आपकी अर्निंग थी ईबीआईटी थी 7 लाख, टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख, तो 7 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, ये आया आपका 14%। ये हमारी है रेट ऑफ रिटर्न, और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी है डेट पे 10%, तीनों में 10% थी। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, हमारा इस सिचुएशन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इस सिचुएशन में मैं डेट बढ़ाता गया तो मुझे फायदा होता गया। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, वापस बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसलिए यहां पर आपको जब भी आपने डेट बढ़ाया, जैसे पहली से दूसरी सिचुएशन में आपने डेट बढ़ाया तो जो ईपीएस है वो 0.98 से हो गया 1.05, और जब सेकंड से भी थर्ड में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया तो यहां भी बढ़कर 1.05 से हो गया 1.1।
16. ठीक है, तो एक चीज हमने प्रूव कर दी कि भाई अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको फायदा होगा जब आप डेट को बढ़ाएंगे. अब इसका उल्टा कर लेते हैं. उल्टा कैसे करना है हमने, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उल्टा कर दिया, तब क्या होगा, तब शेयर होल्डर्स को होगा नुकसान. अब इसको प्रूव करते हैं. इसमें भी इन्होंने तीन सिचुएशन ली. देखिए यहां पर पहली सिचुएशन, अगेन टोटल कैपिटल तीनों में सेम 50-50-50. पहली सिचुएशन में डेट नहीं है, 30% का टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट 10% लिख दिया, ईबीआईटी ली इन्होंने 3 लाख रुपए की, आरओआई निकाली. ये जो मैंने कैलकुलेशन यहां करी थी ना एंड में जाकर रिटर्न वाली चीज, ये इन्होंने यहां पर पहले कर ली. करना क्या है, ईबीआईटी जो कि लिया 3 लाख रुपए डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100, 6%. तो रिटर्न जो आ रही है मेरी, रेट ऑफ रिटर्न वो 6% है. अब इन्होंने यहां पर क्या करा, जो डेट का इंटरेस्ट लेना है ना वो हमें ज्यादा करना है 6% से, इन्होंने एज्यूम कर लिया 10% रहेगा. ठीक है, तो पहली सिचुएशन में टोटल कैपिटल 50 लाख, डेट नहीं है अभी, सारा पैसा इक्विटी से रेज किया गया है. दूसरे में चलते हैं, डेट बढ़ा दिया 10 लाख रुपए कर दिया. ठीक है, तीसरे में 20 लाख कर दिया. सारी फिगर सेम है, सिर्फ ईबीआईटी चेंज कर दी. ईबीआईटी चेंज करने से क्या हुआ, जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न यहां पर 14% निकला था पीछे वाली सिचुएशन में, अब निकला है सिर्फ 6%. क्यों निकाला मैंने ऐसा, 6% क्यों रखा इसे, क्योंकि मुझे इस 6% को कम दिखाना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है डेट पे वो ज्यादा दिखाना है. ठीक है, अब इसकी टेबल देखते हैं. ये इसकी टेबल है. सबसे पहले लिख लो ईबीआईटी तीनों में, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करो. पहली सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे में 10 लाख रुपए का डेट था और इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस कर दिया. तीसरी सिचुएशन में 3 लाख रुपए, अगेन वही माइनस, क्योंकि 20 लाख रुपए का डेट था, 10% इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए माइनस करे, ये माइनस करके वैल्यू आई. फिर 30% का हमने टैक्स माइनस करा, वैल्यू बची 2,10,000, 1,40,000, 70,000. ये आई मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर से. क्या निकलेगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. तो पहले में 5 लाख शेयर से किया, फिर 4 लाख से, फिर 3 लाख से, ये वही चीज है पहले वाली. आपका ईपीएस देखो, पहले में आ रहा है 0.42, दूसरे में आ रहा है 0.35, कम हो गया ना. देखो यहां पर डेट बढ़ाया मैंने दूसरी सिचुएशन में तो ईपीएस गिर गया, थर्ड में डेट और बढ़ाया तो ईपीएस रह गया मेरा 0.23. तो समझ में क्या आया इससे, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होती है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा अगर वो अपनी कैपिटल में, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाते हैं. तो दो सिचुएशन मैंने आपको समझा दी. पहली में हमने बात करी, जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट से बढ़ाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रेट ऑफ रिटर्न से तो डेट का इस्तेमाल कंपनी को फायदा नहीं देता है. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका था. अब बात करेंगे फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर. पहला, कैश फ्लो पोजीशन. कंपनी के पास जो कैश फ्लो आता है रेगुलर बेसिस पर वो कितना आता है, क्या वो रेगुलर आता भी है नहीं आता. अगर कंपनी के पास रेगुलर आ रहा है कैश फ्लो तो कंपनी डेट से पैसा रेज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट भरना है ना रेगुलरली, और जब पैसा आ रहा है मेरे पास तो मैं इस इंटरेस्ट की रेगुलर पेमेंट भी कर पाऊंगा. तो अगर रेगुलर पेमेंट आ रही है तो डेट से पैसा रेज करिए, रेगुलर पेमेंट नहीं आ रही है तो पैसा रेज करना है आपको इक्विटी से. दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें क्या बताती है बेसिकली, ये हमें दिखाती है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, यानी कि जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है उसके कंपैरिजन में आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, ईबीआईटी कितनी है. अब बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है इसका. अगर ईबीआईटी ज्यादा है मेरे पास, अगर ईबीआईटी ज्यादा है मतलब अर्निंग ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूं, बोरोड फंड से पैसा ले लो, डेट से पैसा रेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर ईबीआईटी कम आ रहा है मेरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेरी कम आ रही है, उस केस में पैसा बोरो मत करिए, उस केस में आपको दिक्कत आएगी.
तीसरा पॉइंट डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये क्या कहती है? ये बताती है हमें इट कवर्स ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेट, बट यहां तक पोर्शन जो है ना वो इसका ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, बट ये जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है ये कुछ और भी बताती है हमें साथ में। ये क्या बताती है? इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपेमेंट करने की हमारे पास पोजीशन है या नहीं है। डीएससीआर का फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अब रूल क्या है यहां पर? रूल वही है जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में था। अगर ये वाली रेशियो ज्यादा आ रही है तो डेट का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा है, वो अपनी पेमेंट वगैरह आराम से कर सकती है। बट अगर रेशियो कम आ रही है तो उल्टा लिख दो आंसर में कि उस केस में कंपनी को डेट से पैसा रेज नहीं करना चाहिए, उस केस में कंपनी को इक्विटी से पैसा रेज करना चाहिए। अगला पॉइंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। क्या लिखना है इसमें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट से पैसा रेज कर लो, बट अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो इक्विटी से पैसा रेज करो। ये वही पॉइंट है जो अभी टेबल में डिस्कस किया था। कॉस्ट ऑफ डेट, आप मार्केट से उधार लेने जा रहे हो, अगर आप वो उधार का पैसा सस्ते रेट पर अरेंज कर सकते हो तो डेट से पैसा रेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उधारी बहुत महंगी मिल रही है, डेट बहुत महंगा मिल रहा है मार्केट में, तो इक्विटी का ऑप्शन बेस्ट है, चूज कर लो। टैक्स का रेट, हायर टैक्स रेट, देखो जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उससे आपका डेट होगा ना वो चीपर बन जाएगा, आपको डेट लेने में फायदा है, क्योंकि जो डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम एज ए खर्चा दिखा देते हैं, और खर्चा दिखाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है ना वो हो जाता है कम, और जब हम प्रॉफिट कम दिखाते हैं तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो हम टैक्स में सेविंग कर लेंगे। तो अगर रूल क्या बना, हायर अगर टैक्स रेट है तो डेट से पैसा उठाओ, और अगर लोअर टैक्स रेट है तो इक्विटी से पैसा उठाओ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि कितना शेयर होल्डर्स रिटर्न चाहते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है अपनी कंपनी में वो कुछ उम्मीद करेंगे इतनी रिटर्न मिलनी चाहिए, अब वो कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब क्या रूल है यहां पर देखिए, एज फार एज डेट इज इंक्रीजिंग ईपीएस, अगर डेट बढ़ाने से आपका ईपीएस बढ़ता जा रहा है तो क्या दिक्कत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट बढ़ाते जाओ। बट जैसे ही डेट बढ़ाने से आपको लगा कि अब मेरा ईपीएस गिर रहा है, इमीडिएटली डेट से पैसा रेज करना बंद कर दीजिए, आपके पास अब ऑप्शन क्या बचता है, अब आपको इक्विटी से पैसा रेज करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब आप शेयर डिबेंचर इशू करते हो उस टाइम पर जितने आपके खर्चे होते हैं उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, डिबेंचर इशू करने से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो इक्विटी इशू करो, शेयर इशू करो, शेयर से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो डिबेंचर इशू करो, सिंपल फंडा है। उसके बाद है रिस्क कंसिडरेशन, ये क्या कहता है जी, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है जब आप डेट से पैसा रेज करते हो तो कंपनी को इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना, फिक्स हो गया वो इंटरेस्ट, अब कंपनी के पास ऑलरेडी और भी खर्चे होंगे फिक्स वाले, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है या किसी को और पेमेंट देनी है जो कि फिक्स है, उस केस में डिबेंचर इशू कर दिए तो कंपनी का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो डेट मत इशू करो। बट अगर रिस्क नहीं है कंपनी के पास इतना ज्यादा, उस केस में आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कंपनी ने ज्यादा डेट उठा लिया मार्केट से आज ही, तो जब कंपनी को बाद में जरूरत पड़ेगी ना फ्यूचर में, तो हो सकता है कंपनी मार्केट से पैसा ना उठा पाए, इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना वो मार्केट से पैसा उठा सकती है एक बार में वो सारा की सारा पैसा एक साथ ना उठाए, थोड़ा बहुत छोड़ दे ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी उस केस में मार्केट से वो उधार ले पाएगा। उसके बाद है कंट्रोल,
जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं ओनर्स बिजनेस के, और वो कंट्रोल करते हैं सारी कंपनी को। तो अगर कंपनी ये चाहती है कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहे, तो वो इक्विटी शेयर और इशू नहीं करेगी। बट अगर उसको अपना कंट्रोल शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में वो और शेयर भी इशू कर सकती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप शेयर डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो सेबी के, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कंपनी को ध्यान में रखने हैं वो सारे के सारे रूल्स, गाइडलाइंस, एक्ट क्या क्या हैं शेयर और डिबेंचर के रिगार्डिंग, तब वो शेयर और डिबेंचर को इशू करे। उसके बाद है स्टॉक मार्केट की कंडीशन। देखिए, अगर मार्केट की कंडीशन बहुत बढ़िया है, बूम का पीरियड है, मार्केट में सेल परचेज खूब अच्छी अच्छी हो रही है, उस केस में अगर आप शेयर इशू करोगे ना, लोग आराम से लेंगे, क्योंकि मार्केट इज ग्रोइंग, बूम का मतलब है ग्रो करना। बट अगर मार्केट की हालत खराब है, खस्ता हालत है मार्केट की, उस केस में शेयर से पैसा इशू करना या लेना अकलमंदी नहीं है। उस केस में आपको डेट से पैसा रेज करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन है ना, तो लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं होंगे जल्दी से शेयर्स में। उस केस में डेट में ही पैसा रेज करना अकलमंदी होती है। आखिरी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। क्या आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना नहीं चाहते हो बिजनेस करते हुए? हम सब अपने कॉम्पिटिटर को भी स्टडी करते हैं, ऐसे ही यहां पर भी अपना कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर मुझे डिजाइन करना है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। जरूरी नहीं है मैं उसका कैपिटल स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो कर लूं, बट हाँ, वहां से मैं आइडिया ले सकता हूँ, वहां से मैं एक मतलब एक चीज सीख सकता हूँ कि अच्छा यार, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से फायदा होता है। तो माइट भी मैं उसको एज इट इज फॉलो कर लूँ, या मैं उसको एज इट इज फॉलो ना करूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे 14 फैक्टर्स थे जिनको एक कंपनी ध्यान में रखती है। कब ध्यान में रखती है? जब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितने पैसे डेट से रेज करेंगे और कितने पैसे इक्विटी से रेज करेंगे।